One of my acquaintances, मेरा स्कूल में जूनियर था, he changed towards Deen, right? And वो तबलीग के रास्ते में लग गया और काफी करीब हुआ. Somebody asked him, ये बड़ी बल्कि स्टोरी मशहूर भी हुई थी कि how did you change? तो कहता है कि हम कुछ दोस्त थे जो बहुत आउट हो. अच्छा बहुत आउट तो अब हर कोई हो गया अनफॉर्चुनेटली कि हम वी वुड सॉर्ट ऑफ डू ड्रग्स, वी वुड डू ज़िना एंड व्हाट वी वुड, हम चार पांच दोस्त मिल के ये काम करते. तो वी वुड गेट अ गर्ल एंड देन यू नो देयर वुड बी अ रूम या किसी का घर होता था एंड वी वुड डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ दीस थिंग्स. तो ही सेड कि इसी तरह एक दिन हो रहा था एंड वन ऑफ माय फ्रेंड्स वाज इनसाइड विद दैट गर्ल एंड क्या हुआ, डूइंग व्हाटएवर शुड नॉट हैव बीन डन. तो कहता है क्या हुआ कि अचानक हमें चीख की आवाज़ आई उस लड़की, तो हम सब चौंक गए, तो हम भागते हुए अंदर गए. व्हेन वी वेंट इनसाइड what we saw was this ki while they were doing that act our friend had passed. Just imagine, you know, maut barhak hai na, ye lahore ke aapke mere tarah ke socio economic circle ke average school mein, school ka naam bhi le sakte ho, bacche ki baat ho. Wo kehta hai ki hum us bacche ko humne uthaya 12 class ghar leke gaye, iklota beta tha maa baap. Usi raat mujhe galat ho jayega, गालिबन माँ का इंतकाल हो गया उस गम से, अगले दिन बाप का भी इंतकाल. विद इन अ स्पैन ऑफ आवर्स पूरा खानदान गायब हो गया. दैट्स व्हाट वी लिव इन, दैट्स द वर्ल्ड दैट वी लिव इन एंड वी आर चूजिंग दिस पाथ फॉर आवर्स. इसमें कोई अमेरिका की साजिश नहीं, वी आर डूइंग दिस टू आवर सेल्व्स बिकॉज वी हैव टेकन शयातीन एज आवर फ्रेंड्स.